पल का साक्षी होने का सौभाग्य अगर किसी ने प्रदान किया है, किसी के कारण से आया है, तो मोदी जी के कारण से भगवान अपने महल में विराजमान हो गए हैं। इस बार की रामनवमी अपने घर के अंदर मनाएंगे भाइयों बहनों। इस बार का जन्मदिन भगवान राम का, इस बार की रामनवमी का जन्मदिन उनका अपने घर पर मनने वाला है। पहले टेंट में हुआ करते थे भाइयों बहनों, ये काम भी मोदी जी ने हमारे लिए किया है। ऐसे अनेक काम मोदी जी ने किए हैं, मैं उसको विस्तार से बोलूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। भाइयों बहनों आप सभी जानते हैं, हमने भी उत्तराखंड के अंदर बहुत सारे काम, बहुत सारे कड़े फैसले लिए। आप सबको पता है हमने जो चुनाव में घोषणा करी थी, चुनाव में आप सबके बीच में एक संकल्प लिया था कि नई सरकार का गठन होगा तो हम समान नागरिक संहिता लाएंगे। भाइयों बहनों हमने समान नागरिक संहिता का आज हमने विधेयक बना दिया है। नकल रोकने के लिए हमने नकल विरोधी कानून बना दिया है। अब हमारे बेटे बेटियों को, गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को अब भटकना नहीं पड़ेगा, अपने उनकी जो योग्यता है, क्षमता है, प्रतिभा है, उनके साथ अब कोई छल नहीं कर पाएगा, कोई धोखा नहीं कर पाएगा। उनकी योग्यता क्षमता के साथ अब पूरा न्याय हो रहा है भाइयों बहनों। अब पारदर्शिता के साथ उनको नौकरी मिल रही है। धर्मांतर कानून हो, गंगा विरोधी कानून हो, अतिक्रमण हटाओ अभियान हो, लैंड ग्रैब के खिलाफ कार्रवाई हो, भाई बहनों ये सब काम हमने उत्तराखंड देवभूमि का जो मूल स्वरूप है वो मूल स्वरूप किसी कीमत पर खराब नहीं होना चाहिए। यहाँ किसी से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। ये देवभूमि उत्तराखंड है, पूरी दुनिया के अंदर हमारा नाम है। हम कहीं भी जाते हैं हम कहते हैं हम देवभूमि से आए हैं, तो लोगों को हमको देखने की दृष्टि बदल जाती है, एक श्रद्धा का भाव आ जाता है कि देवभूमि से आए हैं। तो इस देवभूमि के मूल स्वरूप से जो भी छेड़छाड़ करेगा भाई बहनों हम उसके साथ सख्ती से काम करेंगे। आपने देखा होगा अतिक्रमण हटाने का अभियान हो या हल्द्वानी में जिन लोगों ने धंधा करने का प्रयास किया, उपद्रव करने का काम किया, उन लोगों के साथ कानून ने किस प्रकार से काम किया है सबने देखा है भाई बहनों। और आप भविष्य में कोई धंधा करेगा, कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा तो उसकी एक एक पाई की भरपाई उसी धंधा करने वाले से वसूल की जाएगी। भाइयों बहनों इसके साथ साथ हमने हमारी बहनों के लिए, हमारी मातृशक्ति के लिए हमने 30% का जो आरक्षण है, 36 आरक्षण, वह भी सरकारी नौकरियों में उत्तराखंड में सुनिश्चित कर दिया है विधेयक लाकर। हर क्षेत्र में अब हमारी महिलाओं को जो है 30% का नौकरियों में आरक्षण मिलेगा। जहां हमने कानून लागू किए हैं, अनेक कानून लागू किए हैं, वहीं प्रदेश के हर वर्ग के लिए हमने अनेक योजनाएं शुरू करी है। महालक्ष्मी किट योजना है, लखपति दीदी योजना है, उत्तराखंड आयुष्मान योजना है, वृद्धावस्था पेंशन है, गरीब परिवारों के लिए 3 गैस के सिलेंडर साल में मुफ्त में रिफिल भरने की योजना हो, इसके साथ साथ होम स्टे योजना हो, ऐसे अनेक काम आज हम आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है और उन्होंने हर बार उसको दोहराया है, कल भी प्रधानमंत्री जी ने इसी केस में कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। हमको हर दृष्टि से उत्तराखंड को आगे ले जाना है, उसके लिए हम समर्पित होकर काम कर रहे हैं, रात दिन काम कर रहे हैं। आपके क्षेत्र में बहुत सारे काम हुए हैं, बहुत सारे काम आगे बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में और भी बहुत सारी योजनाएं इस क्षेत्र के लिए आने वाली हैं। एक बड़ा सेंटर अनुसंधान के क्षेत्र में भी ये द्वाराहाट बनेगा, इसके लिए भी हम आगे बात कर रहे हैं। कई सारी योजनाओं पर हम विचार कर रहे हैं, यहाँ पर पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, स्वास्थ्य सेवा का उच्चीकरण हो, थाना गोलू डैम हो, लिफ्टिंग योजना विज्ञान सिंह ब्लॉक में, जाजरी डिग्री कॉलेज, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लिफ्टिंग योजना, ऐसे अनेक काम यहाँ पर हुए हैं। भाइयों बहनों मैं उस पर विस्तार से नहीं जाना चाहूंगा, उसके बाद आगे भी बहुत सारे कामों को आगे बढ़ाना है। जो भी काम आपके क्षेत्र के लिए जरूरी होंगे उन सब कामों को आगे बढ़ाएंगे। विकास के लिए हम हमेशा समर्पित हैं और भविष्य में भी समर्पित रहेंगे। भाइयों बहनों सेना के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी का विशेष लगाव रहा है, इसीलिए उन्होंने 40 साल तक रुका हुआ जो वन रैंक और वन पेंशन थी वह भी किसी ने लागू करी तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने लागू करी। भाइयों बहनों सैनिकों के लिए ORP लागू किया है, उनकी आर्थिक समृद्धि बढ़ी हो इसके लिए काम किया है। आज आत्मसम्मान के लिए सैनिकों का मनोबल बढ़ाने का काम मोदी जी कर रहे हैं। अच्छे बूट, अच्छे जैकेट आज जो सियाचिन में हो या देश की सीमाओं पर हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, उन सब लोगों के लिए, उन सैनिकों के लिए हर संभव आज सुविधाएं देने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। भाइयों बहनों शहीदों एवं पूर्व सैनिकों के सम्मान और कल्याण के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। इसलिए देहरादून में
गुनियाल गांव में एक बहुत ही भव्य और सैन्य धाम का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें उत्तराखंड के जो 1734 हमारे रण बांकुरे जिन्होंने भारत माता के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, अपने जीवन प्राणों का बलिदान दिया, उनकी याद में उनकी स्मृति में जो सैन्य धाम बन रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसको पांचवें धाम की संज्ञा दी है। भाइयों बहनों, हमेशा वो हमारे आने वाली जो नौनिहाल है, हमारी नई पीढ़ी है, उसके संज्ञान में रहेगा, उनके स्मरण में रहेगा। इसके साथ साथ शहीद सैनिकों के आश्रितों को राज्य सरकार के अधीन आने वाली नौकरियों में वरीयता के आधार पर हम नियुक्ति दे रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध और सैनिकों की वीरांगना एवं वेटरन की पेंशन हमने 8,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रतिमाह की है। स्वतंत्रता संग्राम और उनकी विधवाओं की प्रतिमाह पेंशन 21,000 से बढ़ाकर 25,000 हमने किया है। हमने उत्तराखंड के जो वीरता पदक से सम्मानित हमारे जावाज सैनिक हैं, वीर सैनिक हैं, उनकी एक मुश्त जो देय धनराशि अनुदान राशि है उसको भी बढ़ाया है। भाइयों बहनों, जो भी गैलेंट्री अवार्ड जारी है, आज जहां मोदी जी के नेतृत्व में ये सब काम आगे बढ़ा रहे हैं, मोदी जी देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, देश चहुंमुखी विकास की ओर जा रहा है। थोड़ा हम पीछे देखें कि 2014 से पहले क्या होता था। 2014 से पहले प्रत्येक दिन देश के अंदर एक नया घोटाला होता था। भाइयों बहनों, आप जानते हैं घोटालों की लाइन लगी रहती थी। उस समय लोग कहने लगे थे सरकार में घोटाला नहीं चल रहा है, बल्कि घोटालों में ही सरकार चल रही है। ऐसा समय एक समय आ गया था, लेकिन पिछले 10 सालों में मोदी जी के समय में देश के अंदर एक भी घोटाला नहीं हुआ है, क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि मैं न खाऊंगा न किसी को खाने दूंगा। भाई उन्होंने पिछले 10 सालों से कांग्रेस को भ्रष्टाचार करने का कोई मौका नहीं मिल रहा है, तो खिसियाई दिल्ली की तरह रोज सुबह शाम जहां भी चुनाव हारते हैं वहां ईवीएम का बहाना बनाते हैं। भैया ईवीएम चिल्लाते हैं, 4 तारीख के बाद फिर ईवीएम की बात करेंगे, अपनी मुंह छिपाई करेंगे, और जिन राज्यों में जीत जाते हैं वहां ये बात बंद कर देते हैं, जब हार जाते हैं तो कुछ न कुछ कहना शुरू कर देते हैं। जब इनसे बीच की लाल नहीं करती तो कहते रहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में आ गया है, और हम सबको पता है देश के अंदर तानाशाही करने का रिकॉर्ड किसके नाम है, देश के अंदर आपातकाल भोगने का किस पार्टी ने किया था, किस सरकार ने किया था है? हमारे यहाँ पर आज के आपातकाल के जो सेनानी है वो हमको समय से कितनी यात्राएं उस समय दी है जी लोगों को। भाई जो लोग इतनी तानाशाही देश पर जिन्होंने धोखी है वो लोकतंत्र को बचाने की क्या बात करें। और मैं बताऊं तो राहुल गांधी की दादी थी, उन्होंने आपातकाल लगाया था, वो स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक काला अध्याय है, एक काला प्रश्न है। भाइयों बहनों, जिससे ये कांग्रेस पार्टी परिवारवाद की जल्दी पार्टी है, कोशिश कर रहे